है मेरा। पर कैसा लगा आप लोगों को ये? अच्छे लगा होगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं इंदौर में जितने भी माता जी बैठी हुई हैं वो देखने के लिए एंड yes. पूरा नवरात्रि का मजा लेने के लिए। एंड जहाँ पर गाइस हम लोग रहते हैं ना वहीं पर ये बहुत बड़ा मेला लगता है, तो बेसिकली वहाँ पे ना माता जी बैठती हैं, पूरा पंडाल लगता है, मेला लगता है, बहुत मजा आता है वहाँ पे। इतना ज्यादा क्राउड होता है वहाँ पे, गरबे चल रहे होते हैं, तो अपन आज वहाँ पर चलेंगे और वहाँ के जाकर मजे लेकर आते हैं और चलते हैं, झूला वूला झूल लेंगे, थोड़ा बहुत डर लगता है इसको पर मजा आएगा। चलो चलो चलो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे सोसाइटी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, चले। तो यहाँ पर बैठी है हमारी सोसाइटी की माता जी एंड वाओ कितना अच्छा लग रहा है यार। तो चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखकर आते हैं जगह जगह किसी माता जी बैठी है और इन रास्ते भर जुलूस के मजे लेते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते में हम लोग रुके थे एक जगह पर, यहाँ पे हो रहे हैं गरबे और इसके आगे आप लोग देख सकते हैं जुलूस। तो रास्ते में हमें दिखा जुलूस जो लेकर जा रहे हैं कालका माँ को, कितना ही प्यारी प्रतिमा है माता जी की। वाह यार, किस्मत से हमें दूसरा जुलूस देखने को मिल गया। आगे चल के देखते हैं यहाँ पे कौन सी माता जी है। तो बोलो शेरवाली माता की जय। तो यह है गाइस हमारे एरिया का फेमस मंदिर कंकेश्वरी माता मंदिर, तो चलिए हम यहाँ के दर्शन करके आते हैं। यह हमारे घर का एरिया का फेमस कंकेश्वरी माता मंदिर, बहुत ही प्यारा बना हुआ है मंदिर। चले पहली बार आई हो तुम तो इस मंदिर। अब आ गए हैं गाइस हम नवरात्रि मेले में। तो सामने स्क्रीन पे जो इतने बेहतरीन गरबे चल रहे हैं ना, बस हम यही देखने के लिए अंदर जाने वाले हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। कितने प्यारे गरबे हो रहे हैं, मतलब लड़कियां कितना प्यारा गरबे कर रही हैं, सब इतने प्यारा प्यारा तैयार होकर आए हैं, बहुत मज़े आते हैं यार। कितना प्यारा पंडाल भी सजा हुआ, मतलब बहुत अच्छा। तो अब हमारे साथ हम आगे बढ़ाते हैं और यहीं पर लगा हुआ है बहुत ही बड़ा मेला, तो चलिए यहाँ घूमते हैं, यहाँ के मज़े लेते हैं। कितना प्यारा है मेला है, मैं बैठ को बोल भी रहा हूँ कि झूला झूले मनाया कर रही है। तो गाइस यहाँ पे जो साड़ी अभी मैं देख रही है यह है 500 रुपये की 3 साड़ियाँ, तो आप सोच सकते हो कितनी सस्ती साड़ियाँ मिल रही है इस मेले में, बट हमें तो वो साड़ी की जरूरत नहीं थी तो हमने इसको स्किप मारा और हम बढ़े आगे। तो गाइस देखो कितने प्यारे प्यारे झूले लगे, मैं इसको बोल रहा हूँ चलने के लिए, मना कर रही है चलो। अरे देखो ना इतनी ऊपर हाइट से कितना अच्छा लगेगा। अरे यार चलो। तो यहाँ पे है डिनर सेट वाली दुकान, क्रोकरी कटलरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रे है, यहाँ बाउल है और हमें चाहिए क्वार्टर प्लेट। क्वार्टर प्लेट पूछा ना उनसे। भैया 200 रुपए की 6 बोल रहे हैं। ये मैक बोल रही है मैं पिछली बार भी लेके गई। कौन सा पिछली बार आई थी मेले? मेला का पहला दिन है आज, बत्ती दे रही है, मेले में पहले दिन आई है। मैक तुमने जूती ली थी ना, जूती वाली दुकान है इधर सामने। ये ले लेते। तो भैया आखिरकार हम यहाँ से बाहर निकले। मैक क्या लिया बताओ? ओए ओ मैक, हम गेवले चाय पीने आए हैं यहाँ पे। तो ये गौरव चाय पी रहे हैं गेवले चाय, मैं तो खुद भी गेवले हैं पर ठीक है गेवले की चाय पी रहे हैं। और बेचारे तो सारा वजन लेके भी खड़े क्योंकि मैंने सारा सामान खरीदा था। सही आ रहा है? हाँ परफेक्ट है। तो यहाँ पे अपर मिल रहे हैं 350 के नए। ये मिल गया उसका लूट। ये जमी है
जाओ, उसका सात नंबर ढूंढ रहा हम लोग, जो हमें मिल नहीं पा रहा है। उसका सात नंबर नहीं है, दिख जाए। तो गाइस अभी हम लोग जो शॉपिंग करके आए थे वो थोड़ा अंधेरे में शॉपिंग हुई थी, तो हम भी चेक कर ले कि आइटम क्या क्या आए हैं। यस, और ये हम आपके सामने ही करेंगे क्योंकि आपने देखा तो सब आइटम में क्या क्या लाए हैं, बट अभी ज्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। सो ये है डिनर प्लेट्स और ये उसके साथ के सेट था, ये उसके साथ की है बाउल्स। एक्चुअल में ये पता है बहुत सस्ते पड़े हमें, इसका प्राइस आपको पता ही है, हमने ब्लॉग में मेले में बताया था। तो बेसिकली हमने स्टार्ट हमको बताया था ये 450 की 6 प्लेट्स, फिर हमने उनसे बार्गेन करी तो उन्होंने 400 बोला, फिर हमने फिर भी और बार्गेन किया तो ये हमको 350 की 6 प्लेट्स मिली है। यानी अनब्रेकेबल है, इसका ये फायदा है। और साथ में फिर हमें बॉल लेने थे तो बॉल इसके मैचिंग वाले डिजाइन के मिल गए तो और ज्यादा मजा आ गया। हम इसके संग वैसे हाफ प्लेट्स भी लेकर आए थे बट वो हम घर पर लेकर आए क्योंकि वो हमको घर के लिए चाहिए था। तो पहला आइटम, अरे ये तो मेरा वाला आइटम है। अब ये है तो ये है हमारी पहली जैकेट्स, लेट्स सी इसका रिव्यू क्या निकल पाता है। तो ये है हमारी फर्स्ट जैकेट। अब आपको पता है इतना मोटा इसका वुलन टाइप का है और इसका प्राइस सिर्फ 350 रुपीज। दिल ही खुश हो गया हमारा तो देख के। यस, इसका प्राइस तो बहुत ही अच्छा है। यस, फर्स्ट जैकेट डन, अब हम चलते हैं सेकंड जैकेट। एक्चुअली हम लोगों ने ले तो ली थी बट हमने अंधेरे में ली तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि सही है कि गड़बड़ है। तो इस बार दूसरी जैकेट भी मेरी है। यस, तो ये था गौरव का अपर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। तो जहां से हम लोगों ने शूज लिए थे ना वो भैया ने हमको फ्री में ये मुझे दे दिए। अब लास्ट आइटम निकलेगा जो मैक को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। Yay! और ये मैक का खुद का है इसलिए वो ज्यादा मैक को पसंद है। इसको लेने की खुशी आती है बिकॉज मुझे व्हाइट अपर्स बहुत प्यारे लगते हैं। डिंग। तो ये है मेरा अपर, कैसा लगा आप लोगों को? ये अच्छे लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब व्लॉग को एंड करते हैं, ये हमारी शॉपिंग थी आज की। आज के व्लॉग में हम इतने लगते हैं, अब हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।